शांता आज इतना लेट क्यों हुआ? अरे मेम साहब, एक तो यहाँ का ट्रैफिक और ऊपर से ये कड़ाके की गर्मी, लेट तो होना ही है। सब नाटक। बाकी आपको तो पता ही है कि शांता कभी लेट नहीं होती, है ना? सही है, अब आओ और काम करो। चल बेटा। और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? माँ। हाँ बेटा बोल। मुझे बहुत जोर से प्यास लग रही है, ठंडा पानी पीना है। प्यास लगी है, ठंडा पानी पीना है, बस इतनी सी बात। रुक, ये ले बेटा। शांता। हाँ मैम साहब। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? ये वो पिंकी ठंडा पानी पी रही है। हाँ वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन एक बार मुझसे पूछ तो लेती। क्या क्या? मेम साहब, अब पानी पीने के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा। अरे मेरा मतलब है कि फ्रीज में से ये पानी। बस मेम साहब बस। अरे लोग तो ऐसी तपती धूप में प्यासे को पानी पिलाते हैं, और एक आप। अरे पर मैंने पानी पीने के लिए कब मना किया? बस मेम साहब बस, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा? बेटा ला दे, मत पिए पानी। अरे नहीं नहीं, पिंकी को पानी पीने दो और तुम भी पी लो। बेटा जितना ठंडा पानी पीना हो उतना पी, और जाते वक्त हम बहुत सारा ठंडा पानी घर पे भी लेके जाएंगे। अब तो मेम साहब हमें कुछ नहीं कहेंगे। वाह माँ, मानना पड़ेगा, आप तो जीनियस हो, जीनियस। हाँ बेटा। जल्दी झाड़ू निकालो ना, गर्मी हो रही है। अच्छा रुक, अब तुझे गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ माँ, एसी से तो बहुत अच्छा ठंडा ठंडा हो जाएगा। शांता। हाँ मेम साहब। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे मेम साहब, पिंकी को ना बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने एसी चालू कर दी। अरे पर। अरे मेम साहब, आपको तो पता है ना कि हमारा घर पतरे वाला है। चलो भाई, हो गया इसका शुरू। और पतरे वाले घर में गर्मी इतनी लगती है जैसे आलू बॉईल हो रहे हो। कितना झूठ बोलेगी शांता। ऐसे में अगर हमने थोड़ी देर एसी चालू कर दी तो क्या हो जाएगा? हाँ हाँ, कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा लंबा बिल आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो ठीक है, मैं एसी अभी बंद कर देती हूँ। अरे अरे रहने दो, पिंकी को थोड़ी देर एसी में बैठने दो। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। शांता, शांता। हाँ मेम साहब, क्या हुआ? वो तुम्हारे काम का कितना हिसाब हुआ है वो मुझे बता देना, ताकि मैं तुम्हें पैसे दे दूं। हिसाब? क्यों, क्या हुआ मेम साहब? वो क्या है ना, भैया की जॉब कहीं और लग गई है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, इसलिए। क्या क्या? हाँ मुझे पता है, तुम्हारे जैसी काम वाली मुझे नहीं मिलेगी, पर अब मैं भी क्या कर सकती हूँ, है ना मेम साहब? अब पानी पीने के लिए भी आपसे पूछना पड़ेगा। अरे मेम साहब, एक तो यहाँ का ट्रैफिक और ऊपर से ये कड़ाके की गर्मी, लेट तो होना ही है। मेम साहब मुझे माफ कर दो, मैं अच्छी काम वाली नहीं हूँ, ना मैं अच्छे से काम करती हूँ, और ना ही आपका कहा मानती हूँ। मैं तो आपसे बिना पूछे न जाने क्या क्या करती रहती हूँ। प्लीज मेम साहब मुझे माफ कर दो, वैसे आपकी याद बहुत आएगी, है ना पिंकी? हाँ। चलो अब तुम इतना ही कह रही हो तो माफ किया तुम्हें,
कल से काम पर अच्छे से आ जाना और मुझे परेशान मत करना, ठीक है? तो आंटी आपका जाना? पिंकी, वो तो मैं तुम्हारी मम्मी को सुधारने के लिए नाटक कर रही थी। क्या क्या मेम साहब, आप भी ना? हूँ ना होशियार, आखिर शांता की मेम साहब जो हूँ।